आफ्टरनून। और देखिए आज हम लोग जा रहे हैं घर की साफ सफाई करने के लिए। घर हम लोगों ने चार्ज में ले ही लिया है, आप लोगों को पता ही है। तो ये पूरा सामान निकाला है क्योंकि कल हम लोग वहाँ पे कथा करवाएंगे सत्यनारायण भगवान की, और इसके बाद में कल का मुहूर्त है। तो यहाँ पर रिंकू रख रही है सामान, देखिए। तो इसीलिए हम लोग सामान ले करके जा रहे हैं, तो बस गाड़ी में रख करके सामान ले जाएंगे। और कुछ ज़रूरत का सामान है जो हम लोग ले करके जाएंगे। तो इसमें गैस की टंकी रखनी है, सारा सामान है, सब कुछ है, मतलब कुछ इस तरीके से। देखिए रिंकू जमा रही है सामान। तो देखिए रिंकू रख रही है सामान, और बहुत सारा सामान, मतलब काफ़ी ज़्यादा तो नहीं ले जाएंगे हम लोग, ज़्यादा लोगों को भी नहीं बुला रहे हैं, सिर्फ मुहूर्त कर रहे हैं क्योंकि वाला मुहूर्त फिर से नहीं है। तो दिसंबर में है, तो दिसंबर से पहले पहले अपन को अपना घर शिफ्ट करना है, तो इसीलिए जो है सामान थोड़ा सा ही ले जा रहे हैं। फिर भी वहाँ पर कुछ भी नहीं है तो सारा सामान ले जाना पड़ेगा। हम लोगों को पता नहीं है कि नल कब आते हैं वहाँ के, क्या कैसा है क्या नहीं है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर कथा वगैरह जब हम लोग करवाते हैं, पाठ जब हम लोग करवाते हैं, तो बहुत सारे बर्तनों की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए बहुत सारी थाली सारा कुछ हम लोग ले करके जा रहे हैं। तो ये देखिए पहलवान साहब हमारे लेकर के जा रहे हैं सिलेंडर। कुछ सामान हम लोग आज ले जाएंगे गाड़ी में, कुछ कल ले जाएंगे, तो इस तरीके से जो है सामान चला जाएगा। और बस कुछ इस तरीके से रख रख के आ जाते हैं। बंद कर रहा है। हेलो, तो मैं बैठी हूँ गाड़ी में, और सामान जितना हो सका हम लोगों ने गाड़ी में रख लिया है। ये देखिए, ये देखिए बहुत सारा सामान हम लोगों ने गाड़ी में रख लिया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर की साफ़ सफ़ाई करने के लिए, थोड़ा सा झाड़ू पोछा करना है क्योंकि कल हम लोगों को कथा करवानी है घर में। क्योंकि कल जो है ना, मतलब मैं ये कहूँगी कि क्या मैं बोलूँ, एक मिनट रुकिए, मैं ये कहूँगी कि मतलब कल जो है घर का मुहूर्त है, और हम लोग घर तो शिफ्ट कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए साफ़ सफाई करके कथा वगैरह करवा देंगे। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। क्या हुआ, प्लम्बर में गाली दे रहा है। तो देखिए घर में आ गए हम लोग, और पुताई वगैरह हो गई है, ये देखिए, क्योंकि कल का मुहूर्त है। तो इसके बाद में फिर ये चले जाएंगे, तो फिर हम लोग घर में वापस, मतलब कथा करवाने के लिए नहीं आ पाएंगे। तो देखिए अभी पुताई वगैरह हुई है, सारा घर जो है फैला पड़ा हुआ है, तो इसको साफ़ करवाना है। ये देखिए पेंट के डब्बे वगैरह पड़े हुए हैं, और अभी तो काफ़ी काम बचा हुआ है वैसे अगर देखा जाए तो। तो काम हम लोगों ने पूरा कर लिया, और अब हम लोग आ रहे हैं वापस। तो देखिए हम दोनों ही लोग हैं, आज बच्चों को लेकर के नहीं गए थे, बच्चे और रिंकू घर पे ही है। तो बस हम लोग बात करते हुए इस तरीके से चले आ रहे हैं, और हाईवे रोड है ये, तो मतलब बच्चे जब नहीं होते ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। देखिए कुछ इस तरीके का ओवरब्रिज वहाँ पर बना हुआ है, और रास्ते में एयरपोर्ट भी पड़ता है, मतलब कुछ इस तरीके से जो है हम लोग चले आ रहे हैं। तो कल है हमारी पूजा, और आज हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा। और देखते हैं घर पे जाकर, वैसे तो रिंकू ने सब्ज़ी वगैरह बना ली होगी, रोटी सेकना होगा, और मम्मी जो है आज रात में आ जाएंगी, तो कल हमारे साथ में घर चल देंगी, क्योंकि कोई ना कोई तो चाहिए अपना जो हमें बताने वाला हो, और बड़े लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मम्मी को इन्होंने पहले ही बुला लिया है, तो बोले कि मम्मी जी आप पहले ही आ जाना, तो हम लोगों को वहाँ पूजा में क्या क्या चाहिए, कैसा कैसा चाहिए, सारा कुछ बता देंगी। तो
इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं। और बच्चों को आज घर पर छोड़ कर के आए, बहुत ज़्यादा गुस्सा थे वो लोग, बोल रहे थे कि हम लोग भी चलेंगे आपके साथ, हम भी चलेंगे आपके साथ, मगर ये बोले कि वहाँ पे ऑलरेडी इतना गंदा, उसको साफ़ करने जा रहे हैं कि वहाँ पे रहने के लिए जा रहे हैं, गुस्सा करने लगे। तो फिर हम लोगों को आज राशन का सामान लेना था, पूजा का सामान लेना था, सब्जी वगैरह लेनी थी, बहुत सारा सामान जो है हम लोगों को ख़रीदना था, तो इसलिए हम दोनों लोग आए और सामान छोड़ करके आए हैं। अब मेरे पैर बिल्कुल नहीं उठ रहे हैं, इतने ज़्यादा दर्द हो रहे हैं हाथ और पैर। आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया दोनों लोगों ने मिल करके, लेकिन हम दोनों लोगों ने अपना घर भी बना लिया है। और जो लोग कहते थे ना हमेशा कि दूसरों के घर में रहोगे, इसके घर में रहोगे, उसके घर में रहोगे, हमेशा जिस इंसान के पास घर नहीं होता ना, उस इंसान को लोग इस तरीके से देखते हैं जैसे कि पता नहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर में रहने लगे तो हमेशा के लिए हमारे घर में रहने लगे। तो इसलिए हम लोगों ने दोनों डिसाइड किया कि सबसे पहले हम अपना घर बनाएंगे, और आज चाहे छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, जिसकी काबिलियत जैसी है, लेकिन अपना घर जो होता है ना, अपना घर होता है हमेशा। और दूसरे के घर में हम लोग चाहे कितने भी अच्छे से रहें, चाहे कैसे भी रहें, वो हमेशा लगे रहेगा कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया, ढिकाला नहीं किया। और जब चाहे हम लोग खाली करके चले जाएँ ना, तो चाहे भले उसमें कभी पोछा ना लगे, ऐसा है मतलब। और मैं जहाँ रहती हूँ ना, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई से रहती हूँ, आप लोगों ने देखा ही है ऑलरेडी मेरा घर, कि हम लोग बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई से रहते हैं। और फिर छोड़ के जाने के बाद तो सब लोग यही बोलते हैं कि गंदा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्वार्टर में भी हम लोग छोड़ के आते थे, सब लोगों को यही कहना रहता था, लेकिन मेरा क्वार्टर देख करके सारे लोग कहते थे कि इसमें आज ही सामान रख लो, इतना साफ़ मैडम आपने छोड़ा है। और रियली में मेरा क्वार्टर भी इतना साफ़ रहता था कि सब लोग देखने से ही बनते थे, लैट्रिन बाथरूम सारा कुछ बहुत ज़्यादा साफ़ रहता था। और वो ही दिन मेरे को याद आ रहे हैं, ज़िंदगी में एक आखिरी बार और शिफ्ट करना है, मतलब बहुत टाइम मुझे यहाँ से बर्तन उठा करके वहाँ से वहाँ। अब रियली में मेरे को गुस्सा आने लगा, कभी कभी इनके ऊपर मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि कब तक हम लोग इस तरीके से कहीं क्वार्टर में रहेंगे, कहीं इसके क्वार्टर में, कहीं उसके क्वार्टर में, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कहीं ससुराल में रहूँगी मैं। बहुत मतलब मेरी जो शादी के बाद का जो टाइम है ना, उस टाइम में मेरे को किसी ने साथ नहीं दिया, मतलब मैं ये कहूँगी कि किसी ने भी साथ नहीं दिया, सिर्फ मेरे मम्मी पापा ने, मेरी बहनों ने, इन लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और आज मतलब अगर हम अपना घर भी बना पाए हैं तो मेरी मम्मी पापा इन सब लोगों की सपोर्ट से ही बना पाए हैं। तो बस इसी तरीके से हमारी लाइफ जो है चल रही है। और मतलब हर इंसान का सपोर्ट हो ज़िंदगी में, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी हमें किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही है लाइफ में। तो बस कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो चलिए, पुरानी बातें याद आ गई, मैंने आप लोगों को बहुत कुछ सुना दिया पुरानी बातों में, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब इंसान का बुरा टाइम आता है ना, तो उसको सबको मिलकर के साथ देना चाहिए। फैमिली परिवार का मतलब क्या है कि सब मिलकर के साथ देना, कि उसको टॉर्चर किया जाए। और मुझे तो मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया है मेरी फैमिलीज़ के द्वारा, कि मतलब मुझे अपनों ने ही इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। जब मुझे वो टाइम, पुराना टाइम जब मेरा याद आता है ना, आज तक का टाइम जब मुझे याद आता है कि आज तक मैंने क्या क्या झेला है, मेरे अपने लोगों ने ही मेरे साथ क्या किया है, तो वो टाइम मतलब क्या मैं बोलूँ, मतलब इतना ज़्यादा मेरे को उस चीज़ से इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि हमारे सब होते हुए भी हमने कितना भुगता है। मैंने अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों को कैसे पाला है आप लोग देखते ही हैं, और अकेले रहते हुए अपनी पढ़ाई को मैनेज करते हुए, रिंकू ने एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा मदद की, उसकी जितने शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। और घर पर आकर के देखिए, मेरे को थोड़ी सी रोटी बनानी थी तो मैंने रोटी बना ली है। मतलब मैं ये कहूँगी कि जब भी मतलब अगर कोई बाहर नौकरी करने वाला इंसान है, उसके बीवी बच्चे अगर रह रहे हैं, तो अगर सपोर्ट मत करो तो उनको टॉर्चर भी मत करो, उनको परेशान भी मत करो, मैं ये कहूँगी। और मैं तो सेल्फ डिपेंड हूँ यार, किसी की मुझे ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं ये कहूँगी कि किसी की घर हरी मिर्च लेने के लिए तक भी नहीं जाते मेरे बच्चे कि मैं जाती हूँ। मतलब मेरे घर से लोग ले कर चले जाते हैं, लेकिन मैं कभी भी किसी के घर नहीं जाती हूँ। मैं इतना ज़्यादा अपने आप को मैनेज करके रखती हूँ, और बस इसी चीज़ से मुझे चिढ़ होती कि जब मैं आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ तो आप लोग मुझसे कुछ क्यों कह रहे हैं, मतलब मेरे ऊपर उंगली क्यों उठाई जा रही है। और मैं बिना बोले रहती नहीं हूँ, आप लोगों ने देखा, जो कुछ भी मुझे बोलना है ना, जिसके मुंह पे बोलना है बोल देते हैं, क्योंकि हम अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं, सब कुछ अपना करते हैं, किसी से दबे हुए नहीं हैं। तो बस यही है, सब लोगों को ये लगता है कि मेरी अकड़ है, ये मेरी अकड़ नहीं है, ये मेरा तजुर्बा है कि मेरी ज़िंदगी में मैंने जो किया है वो अपनी दम पे, अपने पति के दम पे किया है, किसी और तीसरे आदमी का उसमें कोई हेल्प नहीं है। तो बस ये देखिए, मैं रोटी दिखा रही हूँ आप लोगों को, एक्चुअली बच्चों की टीवी की आवाज़ आ रही थी इसलिए मुझे एडिट करना पड़ा, वरना मैं आप लोगों से बात करते हुए रोटी बना रही थी।
तो बस मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई हस्बैंड मुझे देख रहा है तो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, जैसे मेरे हस्बैंड ने किया। अगर कोई वाइफ मुझे देख रही है तो अपने मतलब पति को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर के जो कर सकते हैं ना, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और अगर दोनों एक साथ हो जाए ना, तो दुनिया में कोई तीसरा आदमी कुछ हमारा बिगाड़ भी नहीं सकता है। तो बस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत सारी विशेस दीजिएगा। कल हम अपने नए घर में जा रहे हैं, बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। और आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है कि आप लोग मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ।